कलेज में आ गया। तू क्यों इसे कर रहा है आप लोग? चाहे आपका पेन में पेशाब निकल जाए लेकिन आपको घर से निकालना नहीं है। दोस्तों खबर ही इस तरह आया है, दोस्तों आप लोग सुनोगे ना आपका रोंगटे खड़ा हो जाने वाला है। तो दोस्तों ये क्या खबर है जानने के लिए हमारे इस वीडियो को एंड तक बने रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? मैं यानी आपका दोस्त नंगते सिंह बोल। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कल के दिन में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जो दो किडनैपर को पकड़ा गया है। वो दोनों किडनैपर का पकड़ने के बाद वही केस ख़त्म हुआ नहीं, तो दोस्तों और किडनैपर चार निकल के आया है दीमापुर से। और दोस्तों ये दीमापुर में जो बिजनेस करता है ना कार में, वो भी सिम्फू बिक्रे जो लड़की लोग बालों में लगाता है वो सिम्फू बिजनेस करने वाला। तो एक रोड के किनारे में एक बच्चा को देखा, उसे अकेले देखकर उसे उठाने के लिए चार से एक उतर के पकड़ने के लिए गया था। और पकड़ने में एक औरत उसे दिखाई दिया तो चिल्ला दिया, उसका बाद में ये चार किडनैपर को पकड़ा गया है। और दोस्तों आप मैंने और खबर में भी सुना है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी ये आप लोगों को स्क्रीन में देख रहा होगा ये लोग घूम रहा है। तो आप लोग को भी पूरा होशियार रहना चाहिए और दोस्तों इस वीडियो को पूरा शेयर करना और हमारी अरुणाचल को अलाउ कर देना। ये स्क्रीनशॉट करके भी आप लोग रख सकता है। ये लोग का आप लोग को थोपरा देखने से सीधा मारना चाहिए। और दोस्तों और ये किडनैपर जो दीमापुर से पकड़ा गया है उसका साथ क्या हुआ है वो भी जानते हैं। तो आप लोगों को मैं पहले वीडियो क्लिप प्ले करता हूँ। इतना खबर बात हो कुशाबिल दे सुभाष गमरा ला गोटे पचा उठा ला इन पचा चोर खान तान चार जन मानो धुरी ना रखी ना से कुछ दे इतना कुशाबिल दे मारे बे ओए मारे बे ओ मारो ओए मारे बे मारे बे मारे बे मारे बे कौन कितने पर है, कौन आम इंसान है कुछ पता ही चलता ही नहीं। दोस्तों एक ही हम लोग का जैसा एक सिम शकल जो देखता है और बिजनेस जो कर रहा है आप लोगों को देख रहा है, ये सिम्फू जो बिक्री कर रहा है आप लोगों को यहाँ में देख सकता है कितना सिम्फू जो। और दोस्तों ये है उसका कार और कार का नंबर आप लोगों को देख सकता है, ऐसे ही जैसे कि आसाम का ये देख रहा है नंबर जो है। तो दोस्तों इस तरह ही कितने पार घूमते हैं, आप लोग को भी सावधान रहना चाहिए। जो आप लोग पहचानते नहीं वो लोग से तो सामान लेना नहीं चाहिए जो कि कार में सामान बिक्री करके घूमता है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।